स्टूडेंट्स वेलकम टू पंजाबी क्लास। स्टूडेंट्स साड़ी आज दी इस वीडियो दा विषय कहानी रब ते रुता है, जो कि ICSE बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक काव्य कथा संवेदना दे सफा नंबर 45 दे उपर दर्ज है। ये कहानी डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा जी दे कलम दी बेहतरीन रचना है। स्टूडेंट्स इस कहानी रब ते रुत्तां दियां तुसी ऑलरेडी 5 वीडियोस पहला वेख चुके हो। इन्हां 5 वीडियोस दे विच असी कहानी रब ते रुत्तां दी पाठ समगरी, औखे शब्दां दे अर्थां अते एक्सट्रैक्ट नंबर 1 अते एक्सट्रैक्ट नंबर 2 दे उपर चर्चा कर चुके हाँ। अज यह कहानी रब ते रुत्तां दी वीडियो नंबर 6 है, जिस विच असी कहानी रब ते रुत्तां दे एक्सट्रैक्ट नंबर 3 जो कि तुहाडी वर्कबुक दे सफा नंबर 43 उपर दर्ज है, इस दे नाल संबंधित 4 प्रश्नां दे उत्तरां उपर चर्चा करांगे। हुण असी सब तो पहला एक्सट्रैक्ट नंबर 3 दियां 17 अते इस नाल संबंधित 4 प्रश्नों नू रीड करते हाँ। हाँ जी, एक्सट्रैक्ट दियां 17 हैं। मीह आ रहा है, कहे तो मैं साइकल उत्ते छड़ आउंदा हाँ, जाना कित्थे है? डाकिए ने अपने नक उत्ते ऐनक ठीक कर दिया, एक पैर धरती उत्ते ला के साइकल रोक दिया पुछिया। हाँ जी, हुण इस एक्सट्रैक्ट दे नाल संबंधित 4 प्रश्न इस तरह हैं। प्रश्न नंबर 1 है, साइकल ते कौन किसनू छड़ आउण लई कह रहा है? प्रश्न नंबर 2, ओहो बंदा की कर रहा सी? प्रश्न नंबर 3, डाकिए ने बंदे तो की पुछिया? प्रश्न नंबर 4, डाकिया बंदे नू उस दे घर क्यों छड़ आउणा चाह रहा सी? हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असी एक्सट्रैक्ट नंबर 3 दी इन्हां 4 प्रश्नों के उत्तर उपर विस्थार सहित डिस्कशन करांगे। हाँ जी, प्रश्न नंबर 1 है, साइकल ते कौन किसनू छड आउण लई कह रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है, साइकल ते डाकिया उस जाणू व्यक्ति नू उस दे थां टिकाणे ते छड आउण लई कह रहा सी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2, ओहो बंदा की कर रहा सी? उत्तर, ओहो बंदा खुले खेतां दे विचकार बहार दे मौसम दा आनंद माण रहा सी। ओहो डिंगी टेढ़ी डंडी उत्ते तुरदा मीह दियां कणियां दी छेड़खानी महसूस करदा, सारे आपे नाल मैंने तुमको ना मिलने की कसम खाई है गा रहा हुंदा है, ते फिर चुटकियां वजाउंदा ते बदलां वल वाकफां वांग देखदा होया मड़ियां वाले टोबे दे कंडे पहुंच जांदा है, जिथे खिले पंभूल ते चुहल कदमी करदे बगले वेख के उस दे मन विच कई कुछ खिड़ जांदा है। इस तों बाद ओ टोबे दे कसमैले पानी नू कुतकुताड़ियां कढ़दियां कणियां वेखदा है, ते टोबे दे कंडे उत्ते बैठ के टोबे दी चीकणी काली मिट्टी हत्थां नू मलदा है, ते फिर नृत करदे हत्थां दा परछावां पानी विच वेख के इस नू कुदरत दी करामात महसूस करदा है। फिर ओ पानी दा उंजल भर के पंभूलां उत्ते सुटदा है, ते बदलां पंछियां पत्तियां ते पौणा अंदर अपनी जिंद दी होंद महसूस करदा है। अंत विच ओह फिर मैंने तुमको ना मिलने की कसम खाई है गुणगुणाउंदा होया हथ धो लैंदा है, ते चिड़ी बने बरोटे उत्ते बैठे रब वल तक के
सीटी मारदा है ते इंच कुदरत नाल अपनी सांझ ते इकमिकता प्रगट करके रब नू हसन लई मजबूर कर दिंदा है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 3 है, डाकिये ने बंदे तो की पूछया। इस प्रश्न का उत्तर है, डाकिया बंदे नू उस दे पहुंचन वाले थां टिकाने बारे पूछदा है। असल विच डाकिया सामने पिंडों चिट्ठियां दे के मुड़ रहा हुंदा है, तां ओह मीह दियां कणियां विच भिज रहे बंदे नू पहचान के अपना साइकल हौली कर लैंदा है। फिर ओह डाकिया बंदे दे नेड़े आके अपने नक उत्ते ऐनक ठीक कर दिया ते एक पैर धरती उत्ते ला के साइकल रोक दिया होया पुछदा है कि मी आ रहा है, कहीं ता मैं साइकल ते छड आउंदा हाँ, जाना कित्थे है। पर बहार दे मौसम दा आनंद माणदा होया बंदा ये कह के डाकिये दी गल नू टाल दिंदा है कि जाना ता किते भी नहीं ते अपनी चाल बिना हौली कीतियां उस कोलों लंघ जांदा है, क्योंकि उस दे मन विच भिजण दा कोई तौखला नहीं सी ते दूजा उसनू प्रतक सी कि डाकिये ने यह गल बहुत ही उसकी थां अपने कसे मैले खाकी कपड़िया का ध्यान करके आखी सी। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असीं एक्सट्रैक्ट नंबर 3 दे प्रश्न नंबर 4 नू रीड करांगे। डाकिया बंदे नू उस दे घर क्यों छड आउणा चाह रहा सी। प्रश्न नंबर 4 दा उत्तर इस तरह है, डाकिया बंदे नू उस दे घर इस लई छड आउणा चाह रहा सी क्योंकि मीह दियां कणियां तेज हो रही सन ते डाकिये दे मन विच उस बंदे दे कपड़े भिजण दा तौखला सी। दूसरा, ओह बंदा पैदल जा रहा सी जबकि डाकिया साइकल ते सवार सी, इसलिए डाकिये दा विचार सी कि ओह उस नू साइकल ते बिठा के तेजी नाल उस दे टिकाने ते पहुंचा देवेगा। डाकिया उस बंदे दा गिराई ते जाणू वी सी, इसलिए ओह उस कोलों ओपरियां वांग भी नहीं लंघना चाहुंदा सी ते सब तो वध के ओह डंडी डंडी जा रहा बंदा कुदरत नाल अभेद होया कणियां दियां कुतकताड़ियां दा दी मौज माण रहा सी। पर डाकिया उस बंदे दे इस आनंद तो कोरा ते अणभिज सी, इसलिए ओह उस बंदे नू मीह कारण कपड़े भिजण दा तौखला दिंदियां अपने साइकल ते बिठा के उस दे घर पहुंचाउण दी पेशकश करदा है। पर ओह बंदा डाकिये दी अंदरूनी सोच नू भांप लैंदा है ते खचरी जही हासी हसदियां जवाब दिंदा है, तुसी चलो मीह तो पहला पहला टिकाने पहुंचो। यह सुन के डाकिया उस बंदे दे रवैये ते कुछ हैरान जिहा हो जाता है ते यह सोचदिया कि इस विच भला हसन वाली केड़ी गल सी, उसने तो अकल दी गल ही आखी सी, काहली काहली साइकल दे पैडल मारदा होया चला जाता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस तरह अज असी इस वीडियो विच एक्सट्रैक्ट नंबर 3 नाल संबंधित 4 प्रश्नों ते विस्थार सहित चर्चा की है। हुण तुसी सारे ये 4 प्रश्न अपनियां फेयर कॉपीज़ के उपर नीट एंड क्लीन राइटिंग दे विच लिखने हैं ते इन्हां नू रिवाइज़ करना है। थैंक यू।